आयकर विभाग के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आयकर भवन पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काला कपड़ा पहनकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसके संबंध में आयकर कर्मचारी महासंघ के सचिव शैलेन गुप्ता ने बताया कि नए कर भवन में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जो कि असुविधाजनक है। प्रधान मुख्य आयुक्त मनमानी करते हैं और कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाते हैं। स्थानांतरण और पदस्थापन नीति का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यह आंदोलन गोरखपुर से शुरू होकर फैजाबाद, वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद से सभी साथी 19 जून को सभी कर्मचारी लखनऊ पहुंचकर धरना देंगे और तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयकर कर्मचारी महासंघ के सचिव शैलेन गुप्ता ने कहा, सबसे बड़ी मांग हमारी जो लोकल स्तर पे है कि हमारे स्टाफ को, और एक सम्मानजनक पोस्ट है हमारे संघ में, इंस्पेक्टर का, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का, टैक्स असिस्टेंट का, सीनियर टैक्स असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का, जो बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा से चुन के आते हैं, और ऐसे साथियों को बैठने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन हमारे, और इसके उद्घाटन में भी करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथियों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा जो कॉमन हॉल है, जहाँ हमारे साथियों को वर्क स्टेशन अलाट होने हैं, पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। तो ये तो हमारे लोकल स्तर पे सबसे गंभीर हमारा मुद्दा है। और इसके अलावा जो है कि हम काश अभी लोकल स्तर पे अपने मुद्दों को हम लड़ पाते, ये अपनी मांगे मनवा पाते। अब हमारे जो परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, जो इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, वो मुखिया के तरह काम न करके तानाशाही के तरह काम कर रहे हैं, हिटलरशाही के तरह काम कर रहे हैं। जो हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता करती थी, जिसके तहत हमारे साथियों के जो है हित सुरक्षित रहते थे, तो जो पावर जो है कि हर एक स्टेशन पे, ऐसे गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बनारस, फैजाबाद, हर एक स्टेशन पे जहां हमारे पीसीआरटी बैठा करते हैं, उनको जब पावर दिए जाते थे, तो वो हमारे साथियों को, चूंकि स्टेशन का जो उच्चाधिकारी रहता था, वो बेहतर तरीके से अपने साथियों का एडजस्टमेंट हर एक सेक्शन में करता था, जिससे एक बहुत ही स्वस्थ माहौल मिलता था हमारे साथियों को काम करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है कि हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो ट्रांसफ़र हमारी की जाती थी, उसके लिए भी हमारा एक आरजेसीएम पॉलिसी है, जो प्रशासन से और एसोसिएशन जो हमारा, उसके बीच एक सहमति बनी हुई है, एक करार बना हुआ है। उस पॉलिसी के विरुद्ध जाकर प्रशासन जो है कि हमारे साथियों को सीनियर और जूनियर के आधार पर आपस में लड़ा रहा है, हमारे संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन के इस दमनकारी और तानाशाही, हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ गोरखपुर एसोसिएशन झुकने वाला नहीं है। और ये लड़ाई गोरखपुर से शुरू होकर के हम हर एक स्टेशन से, अपने फैजाबाद स्टेशन से, अपने बनारस स्टेशन से, इलाहाबाद स्टेशन से, बरेली, मुरादाबाद, हल्द्वानी स्टेशन से, सारे साथियों को ले जा करके, अगर 18 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो 19 तारीख से जो हमारे परिवार के, इस प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनके चैम्बर के सामने, उनके चैम्बर में घुस करके हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम क्रमिक भूख हड़ताल पे जाएंगे, और जब तक उनकी तानाशाही खत्म नहीं हो जाती है, जब तक वो हमारे कर्मचारियों के हितों में काम करना नहीं शुरू कर देते हैं, ये आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा। क्या नाम है आपको? पता, शैलेंद्र गुप्ता, सचिव आयकर कर्मचारी महासंघ गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला MBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर, क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।